अब तक हमने देखा था कि प्रिंटर्स कैसे वर्क करते हैं, प्रिंटर कौन कौन से होते हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि प्लॉटर्स क्या होते हैं और वो किस हिसाब से वर्क करते हैं, राइट? नाउ दिस प्लॉटर्स आर ऑल्सो अ पैन बेस्ड आउटपुट डिवाइस. अगेन आई रिपीट, प्लॉटर्स आर ऑल्सो पैन बेस्ड आउटपुट डिवाइस कि जो हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच किए गए होते हैं और वो मोस्ट ऑफ द टाइम वेक्टर ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए वर्क होते हैं. अगेन आई रिपीट, वेक्टर ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए यूज होते हैं. दैट इज द ग्राफिक्स और इमेजेस विच आर क्रिएटेड इन टर्म्स ऑफ सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइन्स. अगेन आई रिपीट, दैट इज द इमेजेस विच आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ सीरीज ऑफ स्ट्रेट lines. Those type of images, those type of graphics are known as vector graphics, and these plotters are used to print this vector graphics, which are pan based output device. Now with the help of these plotters, we can draw high resolution charts, graphs, blueprints, maps, circuit diagrams. ब्लूप्रिंट्स तो आपको पता ही है कि अगर हमें कोई हाउस बनाना है तो उसके लिए हम आर्किटेक्ट के पास जाते हैं और वो आर्किटेक्ट हमें ब्लूप्रिंट बना के देता है. चार्ट्स और ग्राफ्स तो आपको पता है बिकॉज आप पढ़ रहे हो, राइट? मैप्स, दैट इज जो भी हमारे डिफरेंट टाइप डिफरेंट कंट्रीज के मैप्स होते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं. सर्किट डायग्राम्स, इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम, या फिर हम मदरबोर्ड के ऊपर कोई भी सर्किट प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए रिलेटेड जो डायग्राम होता है. सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स विच कैन बी ड्रॉन और विच कैन बी प्रिंटेड विद द हेल्प ऑफ दिस प्लॉटर. वी कैन से दैट प्लॉटर इज सिमिलर टू द प्रिंटर, बट यहाँ पे प्रिंट करने के लिए, दैट इज लाइन्स ड्रॉ करने के लिए, पेन्स का यूज होता है. जैसे प्रिंटर के अंदर प्रिंट हेड होता था, उस हिसाब से यहाँ पे लाइन्स ड्रॉ करने के लिए पेन्स का यूज होता है. नाउ इट कैन प्रिंट कंटिन्यूअस लाइन्स, राइट? जैसे हमने प्रिंटर के अंदर देखा था कि लाइन प्रिंटर था, लेकिन वो लाइन प्रिंटर के अंदर वो जो भी प्रिंटिंग होता था, इट वॉज कैरेक्टर्स. लेकिन अगर हम प्लॉटर्स की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो वेक्टर ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं, तो इसके अंदर हम कंटिन्यूअस लाइन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट? लेकिन प्रिंटर के अंदर अगर हमें लाइन बनानी है तो वहां पे सिम्युलेट होती है, मतलब वहां पे एक्चुअल लाइन प्रिंट नहीं होती है. लाइन प्रिंट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ सीरीज ऑफ डॉट्स लाइंस बनाई जाती है. सो दिस इज द डिफरेंस कि प्लॉटर के अंदर हमें कंटिन्यूअस स्क्रिप्ट, मतलब शार्पर मैनर में हमें लाइंस दिखाई देगी, लेकिन प्रिंटर के अंदर अगर हमें सेम लाइंस प्रिंट करनी है तो वहां पे हमें सीरीज ऑफ डॉट्स का यूज करके लाइंस बनानी पड़ेगी, राइट? अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम प्लॉटर्स ब्लैक एंड व्हाइट प्लॉटर्स भी यूज कर सकते हैं या फिर कलर्ड प्लॉटर्स भी होते हैं. अगर हम मल्टी कलर प्लॉटर का यूज करेंगे तो वहां पे डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट पेन्स होगी कि जिसके अंदर वो पर्टिकुलर कलर जो हमें यूज करना है उस हिसाब से हमें पेन का यूज करना पड़ेगा. मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पे फोर कलर की पेन्स होती है, दैट इज साइन, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक. जो ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना, मतलब ह्यूमन को एक्सप्लिसिटली चेंज करने की जरूरत नहीं है, प्लॉटर खुद वो अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन टू देम वो चेंज कर सकता है, राइट? नाउ एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट इट इज वेक्टर बेस्ड डिवाइस, मतलब वो वेक्टर ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए काम लगता है. इसीलिए प्लॉटर्स का यूज करके अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, इट विल बी वेरी शार्प लाइन्स और ग्राफिक्स भी बहुत ही क्लियर्ड मैनर में हमें दिखाई देंगे, राइट? सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि अगर हम प्लॉटर का यूज करके लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कंटिन्यूअस होगी और वो बहुत ही एक्यूरेट होगी, बिकॉज जिस हिसाब से प्लॉटर को इंस्ट्रक्शन मिलती है, उसे कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, उस हिसाब से प्लॉटर पूरा प्रिंटिंग करता है. बट द थिंग इज दैट इट इज अ वेरी स्लो आउटपुट डिवाइस. अगेन आई रिपीट, इट इज अ वेरी स्लो आउटपुट डिवाइस बिकॉज इसके अंदर बहुत ही मैकेनिकल मूवमेंट होता है, बहुत सारी चीजें मूव करती है, तभी जाके वो अच्छी तरह से ग्राफिक्स बना सकता है. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, हम ऐसा नहीं कह सकते, मतलब प्लॉटर का यूज करके हम सॉलिड फिल्स और शेडिंग्स, मतलब कलर फिल करके, राइट, ऐसे कोई भी शेप्स हम
नहीं बना सकते। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लॉटर, राइट, बिकॉज ग्राफिक्स कलर फील कर सके ऐसे भी प्लॉटर्स मिलते हैं जो हम वीडियो में देखेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे प्लॉटर्स होते हैं कि जिसके अंदर हम कलर फिल नहीं कर सकते, शेड नहीं कर सकते, राइट। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ वी कंपेयर प्रिंटर्स एंड प्लॉटर्स, प्लॉटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। अगेन आई रिपीट, प्लॉटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव, राइट। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्लॉटर्स कहाँ पे यूज होते हैं? कैड और कैम एप्लीकेशन के साथ ये प्लॉटर्स यूज होते हैं, दैट इज कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे हमें घर के प्लान्स ड्रॉ करने हैं, कार के पार्ट्स ड्रॉ करने हैं, मदरबोर्ड के ऊपर जो सर्किट है वो हमें बनानी है, उस सारी जगह पे हम ये प्लॉटर्स का यूज कर सकते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, अगर मुझे अर्थक्वेक की एक्टिविटी भी ड्रॉ करनी है, अर्थक्वेक की एक्टिविटी भी मुझे पेपर के ऊपर बनानी है, तो उस जगह पे भी मैं ये ड्रम प्रिंटर का यूज कर सकती हूँ, राइट। सो वी कैन से, इन शॉर्ट वी कैन से कि अगर हमें ऑटो कैड जैसी एप्लीकेशन का यूज करना है, राइट, कि जो ग्राफिक्स बनाने में हमें बहुत हेल्प करता है, तो वहां पे हमें ये प्लॉटर्स का यूज करना पड़ेगा। तो ऑटो कैड का यूज करके जो हमने ग्राफिक्स बनाया है वो हम पेपर के ऊपर ला सकते हैं, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स, ड्रम प्लॉटर एंड फ्लैट बेड प्लॉटर। फर्स्ट डायग्राम है दैट इज ड्रम प्लॉटर, एंड ये जो सेकेंड डायग्राम है दैट इज फ्लैट बेड प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर के अंदर पेपर मूव करता है, राइट, वेयर एज फ्लैट बेड प्लॉटर के अंदर पेपर स्टेटिक होता है, दैट इज स्टेबल होता है, स्टेशनरी होता है। फ्लैट बेड प्लॉटर के अंदर पेपर मूव नहीं करता है, राइट। सो दीज आर द थिंग्स विच वी नीड टू रिमेंबर रिलेटेड टू द ड्रम प्लॉटर एंड फ्लैट बेड प्लॉटर, राइट। सो स्टूडेंट्स, हम एक काम करते हैं, पहले ये दोनों टाइप के प्लॉटर का वर्किंग देखते हैं विद द हेल्प ऑफ वीडियो, और उसके बाद मैं आपको इसकी थियोरी समझाऊंगी ताकि आपको अच्छी तरह से वो समझ में आए, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रम प्लॉटर एंड फ्लैट बेड प्लॉटर वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ ड्रम प्लॉटर, कि ड्रम प्लॉटर कितना बड़ा होता है और वो किस हिसाब से प्रिंट करता है, और यहाँ पे पेपर मूव करता है, दैट इज पेपर अपवर्ड एडवांस होता है ताकि वो दूसरी लाइन वो प्रिंट कर सके, और प्रिंट हेड भी पूरा मूव करता है। आप वीडियो के अंदर ध्यान से देखना, सी ये पूरा कैसे वर्क करता है, सी ये जो प्रिंट हेड है उसकी मूवमेंट देखो, वो पूरा किस हिसाब से मूव करता है, सी। और ये एक बार ये मूव करता है तब वो एक ही लाइन प्रिंट करता है, आपको ऐसा लगेगा कि ये कुछ प्रिंट ही नहीं कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स वो वन लाइन एट अ टाइम प्रिंट करता है, और कितनी स्लो मैनर में पेपर एडवांस हो रहा है वो आप देखिए, सी पेपर मूव हुआ, राइट। सो इस हिसाब से स्टूडेंट्स ड्रम प्लॉटर वर्क करता है, इतने स्लो मैनर में ड्रम प्लॉटर वर्क करता है और पेपर धीरे धीरे एडवांस होता जाता है ताकि वो दूसरी लाइन प्रिंट कर सके। अब हम फ्लैट बेड प्लॉटर देखते हैं, सी स्टूडेंट्स, अब फ्लैट बेड प्लॉटर वर्क करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे रेड कलर के नंबर्स आपको दिखेंगे, दे आर द कोऑर्डिनेट्स कि उसको कहाँ से लाइन स्टार्ट करनी है और कहाँ तक लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखते जाओगे तो ये नंबर्स बहुत ही फास्टर मैनर में चेंज होंगे, सी ओवर हियर, ये देखिए पूरा प्रिंट हेड आया, सी कैसे वो मूव करता है, सी ये पूरा वर्टिकल रॉड है, राइट, कि जिसके ऊपर पेन ऑलरेडी लगाई गई है, ब्लैक कलर की पेन है यहाँ पे, राइट। ये देखिए पेपर स्टेटिक है, पेपर स्टेशनरी है, पेपर मूव नहीं कर रहा है, ये जो रॉड है और रॉड के ऊपर ये जो प्रिंट हेड है वो ऊपर नीचे मूव करता है, मतलब ये जो रॉड है, राइट, वो लेफ्ट टू राइट मूव करेगा और ये जो प्रिंट हेड है वो अप डाउन मूव करेगा, और इस हिसाब से वो पूरी इमेज बना सकता है, राइट। अगेन आई रिपीट, ये जो रॉड है वो लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, मतलब वो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, और उसके ऊपर ये जो प्रिंट हेड है कि जिसके ऊपर पेन है वो वर्टिकली मूव करता है, दैट इज टॉप बॉटम, टॉप बॉटम इस
मैनर में वो मूव करता है, दैट इज फॉरवर्ड बैकवर्ड वाइज मैनर में वो मूव करता है, और इस हिसाब से वो पूरी इमेज बना रहा है। और ये लेफ्ट हैंड साइड पे आप नंबरिंग देख रहे हो रेड कलर के अंदर, वो देखो वो कितने फास्टर मैनर के अंदर वो चेंज हो रहे हैं, बिकॉज दे आर द कोऑर्डिनेट्स कि जिसके ऊपर से पता चलता है कि उसे कैसे इमेज बनानी है। एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, वो सिर्फ लाइन्स नहीं ड्रॉ कर रहा है लेकिन वो कर्व लाइन्स भी ड्रॉ कर सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, सी यहाँ पे कर्व लाइन्स है, यहाँ पे तो उसने पूरा राउंड बनाया है, राइट? सो इस हिसाब से ये फ्लैट बेड प्लॉटर वर्क करेगा कि जिसके ऊपर पेपर स्टैटिक होता है, राइट? और ये जो रॉड है वो मूव करेगा, और उसके ऊपर जो ये प्रिंट हेड है कि जिसके ऊपर पेन है, राइट, वो पूरा मूव करता है, और इस हिसाब से वो पूरी इमेज बना के हमें देगा, राइट? सो स्टूडेंट्स, लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे हम ये लेक्चर एंड करते हैं, राइट? नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी थियरी देखेंगे ऑफ बोथ द टाइप ऑफ द प्लॉटर, दैट इज ड्रम प्लॉटर एंड फ्लैट बेड प्लॉटर। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है, तो आप मुझे बता सकते हो, और उसके बाद हम हमारा लेक्चर एंड करेंगे।